हाँ जी, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट. हाँ जी, इफ रूट मेरे पास 3 sin theta दैट इज इक्वल्स टू cos theta, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मेरे पास जो है दैट इज 3 cos square theta प्लस 2 cos theta ओवर 3 cos theta प्लस 2. बेटा क्या करेंगे सबसे पहले, जल्दी सोचो क्या करेंगे. चलो मनमीत बताइए क्या आपके दिमाग में आता है. बी फास्ट बेटा मनमीत. वेट 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 प्लीज, यू ऑल आर नॉट मनमीत ना, लेट हिम टू स्पीक. आपको क्या दिया हुआ है मनमीत, देखिए ना, कोई एक टी रेशियो नहीं ना दी, तो पहले दिमाग में आना चाहिए कि एक ही टी रेशियो में कन्वर्ट करना है. आप साइन को चाहे इधर ले जाओ या कॉस को इधर लेके रूट को इधर ले आओ, इट इज अप टू यू. अगर आप यहाँ पर साइन को इधर लेके जा रहे हो तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा क्या हो जाएगा, रूट थ्री. दैट मीन्स कॉट थीटा इज रूट थ्री. बात समझ आई मेरे पास. तो यहाँ पर बेटा फिर क्या करेंगे, आपके पास होंगे कॉट थीटा, पता है कॉट थीटा मतलब बी बाय पी नॉट एच, ठीक है. तो एच निकल आएगा, एच इज अंडर रूट 3 + 1 दैट इज 2. ओके, अब निकालिए वैल्यू 3 cos b / h. b कितना है, रूट 3 का स्क्वायर. एच कितना है, 2 का स्क्वायर 4 + 2 b / h ओवर 3 + b मेरे पास जो है रूट 3 / h 2 + 2. सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द असाइनमेंट. I am doing question number 14, rubbing it. Calculations बहुत matter करती हैं maths में, मैं बार बार आपको कह रही हूं. मेरे करने से पहले आपका question खत्म होना चाहिए, ठीक है. तो question number 14, if tan theta plus cot theta that is equal to 5, then find the value of tan square theta प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. इसकी वैल्यू मैं आपको बार बार, हाँ जी आर्यन बताइए कैसे करेंगे. वेरी गुड वेरी गुड. मैं आपको एक चीज बताऊं कैसे पता चलता है कि स्केयरिंग करनी है, कि स्केयरिंग हमें हेल्प करेगी. अगर कोई ऐसे टर्म हो जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टैन और कॉट क्या है, रेसिप्रोकल है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, इनकी स्केयरिंग करें बेटा. तो जब मैंने स्केयरिंग की, ये लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्केयर मेरे पास क्या हो जाएगा, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab और दैट इज इक्वल टू 25. अब देखो tan और cot आपस में कट जाते हैं ना, पता है कि नहीं. cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan, तो वो कट गया, यहाँ 2 बचा, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 23. बात समझ आई बेटा. लक्ष्य पेन बेटा भगवान ने दिया हमें प्लीज लिखने के लिए, ठीक है. चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन. हाँ जी हाँ जी, आंसर 23, ठीक है जी, चले आगे. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, देखिए इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू 14 cm मेरे पास दिया हुआ है. फिगर में अगर ए बी दैट इज 14 cm ये दी हुई है, और फिगर मुझे ये ऐसी दी हुई है, लेट अस सी एंड व्हाट इज रिटन हियर. ए सी डी 5 13 सो
ये ज्वाइन किया है, ई दिया हुआ है और ए बी 13 दिया हुआ है और मुझे कहा गया है टेन बी की वैल्यू निकालो। देखिए टेन बी की, टेन बी किस ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें ये 90 तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुई ना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए। टेन होता है पी बाय बी, अब परपेंडिकुलर इसमें क्या हो गया ई डी और बेस कितना हो गया बी ई, यही चाहिए। अब देखिए अगर ये 5 है तो ये भी क्या हो गया 5, ये पूरा कितना था 14, 14 माइनस 5 ये कितना हो गया 9, ये मुझे पता चल गया डिनोमिनेटर में 9। अब रह गया ई डी, अगर मैं देखूं तो ई डी कैसे निकालू, एनीबॉडी फ्रॉम, एक सेकेंड जिसकी टर्न, रियान ई डी कैसे निकालू, सोचो ध्यान से, जस्ट थिंक ओवर इट, कौन सी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, प्लीज प्लीज नीचे वाले कौन सी, ए सी डी, ए सी, चलो चाहे आप ए सी डी से निकाल लो, जो यहां ए सी होगा वही ई डी होगा, चाहे आप डायरेक्टली इसमें भी लगा सकते थे ना, है ना, तो जितना ए सी है उतना ही ईडी होगा, जिसमें मर्जी लगा लो, वन इज द सेम थिंग, बैठो गुड बेटा। तो मैं क्या करूंगी, ए सी इज अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169 माइनस 25 144, क्या आएगा 12, और ये कटिंग करके 3 4 3 3, ओके क्लियर। चलिए कम टू नेक्स्ट बेटा, अच्छा मैथ्स का कॉलम भी आ सकते हैं हमारे पास, इट्स नॉट नेसेसरी कि अकेले एक ही क्वेश्चन में मतलब तीन मैच दे दिए, यहाँ ये प्रॉब्लम है एक भी गलत नंबर कुछ नहीं मिलना चाहे बाकी दोनों सही, ठीक है। कैसे दिया हुआ है एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, लेट अस सी, मेरे पास रूल, कॉलम 1 कॉलम 2 मेरे पास, ठीक है जी, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा ओवर, मेरे पास जो है हाइपोटेन्यूज, ये 1 दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है 2 साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा ओवर हाइपोटेन्यूज, थर्ड पार्ट दिया हुआ है मेरे पास, लेट अस सी द थर्ड पार्ट, साइड ऑपोजिट टू थीटा ओवर साइड एडजेसेंट टू थीटा, मेरे पास तो है, और इधर मुझे बताया गया है कि ऑप्शन में ए बी सी और डी, टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा, ओके। अब हाँ जी बताने लगी हूं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ्स का कॉलम कीजिए, और मुझे ऑप्शन दी हुई है ए में 1 ए के साथ, 2 सी के साथ, 3 बी के साथ, बी ऑप्शन 1 बी के साथ, 2 सी के साथ, 3 ए के साथ, सी ऑप्शन 1 बी के साथ, 2 सी के साथ, 3 डी के साथ, डी ऑप्शन मेरे पास 1 डी के साथ, 2 बी के साथ, 3 ए के साथ, है ना, बी ऑप्शन इज 100% करेक्ट, है ना। मैं आपको बता देती हूँ कैसे, पहले हम मैच कर लें, ठीक है। सबसे पहले मुझे कहा गया अगर ये मेरे पास ट्रायंगल है, सपोज आई ड्रॉ हियर द ट्रायंगल, और ये थीटा ये 90 है, ठीक है, थीटा के ये होती है ऑपोजिट साइड और थीटा के ये होती है एडजेसेंट साइड, और इसको हाइपोटेन्यूज ही कहते हैं। अब उसने कहा नीचे एच है, ठीक है, अब उसने कहा साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, साइड ऑपोजिट टू एंगल यानी पी परपेंडिकुलर ओवर एच, ये क्या हो गया साइन, ये एक मैच हो गया। अब अगला देखो बी हो गया, ये एडजेसेंट मतलब बी, और बी बाय एच क्या होता है कॉस, और साइड ऑपोजिट टू थीटा यानी पी
बाय बी, ये क्या हो गया 10। अब देखो जिसमें फर्स्ट बी के साथ, सेकंड सी के साथ और थर्ड ए के साथ, तो ऑप्शन बी ही बनती है ना। क्वेश्चन देखो इतना इजी है, बस वर्डिंग में लिखा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, वहां ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए क्वेश्चन, थ्रेटिकल है, सुनिए। इफ द एंगल रिमेन द सेम, उसने कहा कि अगर एंगल सेम रहता है, वो चेंज नहीं करता, द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल, उसने कहा द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ऑप्शन क्या दिया, वेरीज विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। वो कहता है अगर एंगल सेम है तो जो टी रेशियो है, मान लो अगर मैं 30-30 पे ले रही हूं, है ना, तो चाहे मैं साइन 30 लू, कॉस 30 लू, टैन 30 लू, वो कहता है कि क्या वो वेरी करता है विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, नंबर फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, वो वेरी नहीं करते। थर्ड ऑप्शन वेरी विद द चेंज इन द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ओनली, कि अगर हाइपोटेन्यूज चेंज होता है तो वो वेरी करेगा। फोर्थ ऑप्शन डू नॉट वेरी विद द चेंज इन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, क्या वेरी नहीं करता, कभी भी नहीं करेगा लेंथ की वेरी उसे, क्यों रायना इधर I'm here. हाँ जी मैं आपको बताती हूँ, अगर एंगल फिक्स है, मान लो मैं साइन 30 की बात कर रही हूँ, आपको पता है साइन 30 का आंसर जो मर्जी हो जाए, आंसर तो 1/2 ही आना है ना, साइड बढ़ जाए, अगर परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो बेस भी चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज भी चेंज होगा ना, सारी चेंज होंगी ना, लेकिन अल्टीमेटली रेशियो तो सेम ही आएगी कि नहीं आएगी, दैट मीन्स द टी रेशियो विल नॉट वेरी, क्योंकि रेशियो मैं कह रही हूं एंगल किसी भी ट्रायंगल में ले लो, 30 लेंथ बड़ी कर लो छोटी कर लो, पर अल्टीमेटली साइन 30 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि अगर आप एक साइड बढ़ाते हो है ना, तो आपको ये भी साइड बढ़ेगी और हाइपोटेन्यूज भी इसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो, ये प्रोपोर्शनेट होती, ताकि रेशियो विल रिमेन सेम। बात समझ आई, है ना, डिफरेंट क्वेश्चन बाकियों से, क्लियर हुआ, ठीक है जी। तो मैं फिर बताती हूँ आप लोगों को, मेरे कहने का मतलब है कि वो कह रहा है अगर मैं एंगल फिक्स कर दूं एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो कहता है जो टी वैल्यूज, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है, वो कैसे होती है, क्या वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बिल्कुल नहीं चेंज होती, क्यों नहीं होती, मैंने आपको कहा एंगल अगर फिक्स कर दिया तो अल्टीमेटली साइन 30 आप किसी भी ट्रायंगल में ले लो, उसकी क्या है वैल्यू विल रिमेन सेम, क्योंकि साइन 30 का आंसर तो 1 में ये हो सकता है। देखो किसी ट्रायंगल की मेरे पास जो है परपेंडिकुलर 5 हो, हाइपोटेन्यूज 10, तब भी आंसर कितना आएगा 1/2 आएगा। अगर मेरे पास जो किसी ट्रायंगल में साइड 6 है मेरे पास परपेंडिकुलर की, हाइपोटेन्यूज कितना आ गए 12 आ गए, रेशियो तो बेटा एंगल क्योंकि 30 दिया है, रेशियो तो वही सेम ही रहेगी 1/2, that means it not varies with the change in the side of a triangle provided the angle is fixed here. अगर angle fixed है तो it will not be changed. बात समझ आई मेरी सबको, clear है? Now come to next बेटा, अब देखिए अगला question क्या दिया हुआ है मेरे पास, in triangle ABC right angled at B, मेरे पास राइट एंगल एट बी, अब उसने दिया हुआ है मेरे पास एसी 13 एबी 5, तो साइन ए निकालिए, साइन ए, हाँ जी क्या होता है पी बाय एच, परपेंडिकुलर कितना है
ये नॉर्मली गलती होती है, हम क्या कहते हैं अरे ये बेस बन गया ना क्योंकि एंगल इधर आ गया, तो ये है। तो आपको हमने ये बताया था मैंने कल भी कि ये ट्रिपलेट होता है किसका, 5, 12, 13 का, तो मुझे निकालना नहीं ना पड़ा, ठीक है। तो अब मेरे पास 12/13, और आप चेक कर लेना साइन की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती, आप जो मर्जी वैल्यू निकाल के देख लो साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हाँ जी बिल्कुल, आपके यहां पर 0 से बड़ी आती है, मैं आपको बार बार कहती हूँ, लेकिन जब हम +1 में चल जाएंगे ना तो हम कहते हैं साइन कॉस की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाइक करते, क्योंकि आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील करते हो जहां पर जो वैल्यू है साइन की वो 0 से लेकर 1 तक की आती है। ओके क्लियर। चलिए बेटा बेटा अभी मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला +1 में जब आप चले जाओगे देन यू कम टू नो कि साइन और कॉस की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करती है, क्योंकि आप जितने एंगल से डील कर रहे हो आप जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करते हो तो वहां पर सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। आप जो एंगल निकाल रहे हो वो क्या क्या निकाल रहे हो, 0, 30, 45, 60, 90, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो इसलिए सारे आंसर आपके क्या आते हैं, पॉजिटिव। तो आप कहते हो 0 to 1, आपकी बुक में भी दिया होगा 0 to 1, बट बेसिकली +1 के बच्चों को हम ये बताते हैं, NTSC के बच्चों को भी बताते हैं कि साइन कॉस के वैल्यू जो है वो -1 to 1 में रहती है। इज इट क्लियर। ओके बेटा चलिए अब देखो नेक्स्ट, साइन ए ये किसके इक्वल है, टेन ए माइनस कॉट ए, बी टेन ए ओवर सीकेंट ए, सी टेन ए माइनस सीकेंट ए, डी कॉस ए माइनस सीकेंट ए। हाँ जी बी ऑप्शन बिल्कुल, आंखें बंद करके मैंने देख लिया, कैसे मुझे पता है टेन क्या होता है, साइन ओवर कॉस, सीकेंट क्या होता है 1/cos, नीचे नीचे वाला कॉस कट गया क्या बचा साइन, ठीक है जी। ऑरली करने की हम कोशिश करेंगे। नाउ बेटा कम टू नेक्स्ट, बेटा मेरे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, इफ साइन एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू 2 देन साइन पावर 19x प्लस कोसेकेंट पावर 20x इज इक्वल टू क्या वैल्यू। हाँ जी सबसे पहले ये दिया, डायरेक्ट मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, मैं क्या करूंगी, मैं चेंज करने की कोशिश करूंगी, स्केरिंग करनी है स्केरिंग करके देख लो, जब आप स्केरिंग करोगे साइन स्केयर प्लस कोसेकेंट स्केयर मेरे पास आएगा, चलो 2a भी कट जाएगा तो उसका फायदा क्या होगा, साइन स्केयर आ रहा है कोसेकेंट स्केयर आ रहा है, मुझे तो नहीं लगा उसके। हाँ जी साइन 19 कॉमन ले लेते हैं, चलो जी आप कहती हो तो साइन 19 कॉमन ले लेते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना मेरे दिमाग में जो आ रहा है क्यों ना मैं इसको साइन कॉस में चेंज, मतलब जो हो सकता है मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूं, तो मैंने क्या किया साइन एक्स प्लस 1/sin x इक्वल टू 2। हाँ जी एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर एक्स मेरे पास +1 इक्वल टू 2 sin x आया, मैं इसको उधर ले जाऊं उसका बेनिफिट देखना मेरे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 ab ये किसके इक्वल, 0 है ना, वेट विद सम आई विल आस्क यू, तो यहां पर मेरे पास क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हुआ, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरा क्वेश्चन देखना कितना इजी होता है, जब ये होल स्क्वायर है तो दैट मीन साइन एक्स इज इक्वल टू 1 आ गए,
क्योंकि स्क्वायर जीरो का स्क्वायर जीरो और फिर साइन एक्स की वैल्यू वन। अगर साइन एक्स की वैल्यू वन है तो सीकेंट एक्स की कितनी होगी? वो भी तो वन ही होगी, क्योंकि वन ओवर साइन एक्स, तो वन ओवर वन आंसर इज वन। तो यहाँ पुट करो ना वन प्लस वन, क्योंकि वन की पावर 19, वन की पावर 20, आंसर इज टू। वन प्लस वन टू। बात समझ आई? क्योंकि आप जो स्केयरिंग कह रहे हो ना उसका फायदा नहीं है। मैं आपके दिमाग में स्केयरिंग आया तो मैं आपको करके बताती हूँ, लीजिए। हाँ मैं वो रब नहीं करती हूँ। देखो मुझे कहा गया ये लीजिए, लेट अस सी, मैं इसको 19 ले लेती हूँ, ठीक है। सक्षम ने कहा, अब सक्षम ने कहा कि मैम आप ना साइन 19 मतलब साइन की पावर 19 कॉमन ले लो। अगर कॉमन लिया तो ये 1 प्लस मेरे पास 1 ओवर साइन 38x हो गया, एम आई राइट? क्या फायदा होगा इसका? कोई फायदा नहीं। कैसे? यहाँ ओ 20 है, चलो लो जी। अगर 20 हुआ तो ये हो जाएगा, कैसे? अगर आपने साइन 19 कॉमन लेना है, मैंने ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन 19 कॉमन हुआ, यहाँ 1 रह गया तो यहाँ 39 आ गया। तब भी मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं कर सकती सेक्शन, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार स्केयरिंग वाला। स्केयरिंग वाला यहाँ तब हेल्पफुल होता अगर मेरे पास यहाँ पर क्या दिया होता, साइन स्केयर एक्स प्लस कोसेकेंट स्केयर एक्स। अब देखो डिफरेंट है ना, मार्क करो क्वेश्चन को कि हमने इन्हीं को करना है बार बार। सिंपल वाले क्वेश्चन तो बेटा सबने कर लेने। मेरी बात समझ आई? मैं बार बार आपको ये चीज बोल रही हूं। पेपर नवंबर में है, फिर सितंबर, पेपर वाले दिन क्या करना है आपके लिए? हॉचपॉच रहेगा। जो एमसीक्यूज तुम्हें अलग लग रहे हैं, आप एक कॉपी पे ही लिखी जाओ कि मैंने ये पढ़ने हैं। सिंपल वाले तो बेटा आते ही है तुम्हें। बात समझ आई मेरी? क्योंकि इतनी सारी असाइनमेंट्स, इतनी सारी बुक्स, किसको पढ़ेंगे? नहीं पॉसिबल हमारा सब कुछ पढ़ने के लिए। हाँ जी बिसम, एनीथिंग यू वांट टू आस्क बिसम? यस बेटा। मैम आई वांटेड टू से दैट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स इज 2, सो डायरेक्टली देन द एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। No, it is not directly possible, beta. Sorry to say this thing. You can't write it directly. Okay, Bissam? Okay, ma'am. Member why? हाँ, उसको नहीं लिखना, आपके पास solid proof होना चाहिए. Clear? चलिए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ। हाँ जी? कुछ भी नहीं किया था, मैंने cosecant को 1 by sin लिखा था, LCM लिया था, साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स, और जो डिनोमिनेटर में साइन था वो 2 के साथ लगी थी। ओके? तो वो ये फॉर्मूला बन गया था। बेटा ये देखिए, अगर मेरे पास ये साइन एक्स माइनस 1 का स्केयर 0, किसी भी टर्म का स्केयर 0, दैट मींस वो टर्म इटसेल्फ इज 0 होता है ना। तो दैट मींस साइन एक्स, अब ये 1 उधर गया तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ओके चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास क्वेश्चन। हाँ जी 22nd क्वेश्चन नाउ मेरे पास। टेन ए प्लस कॉट ए That is equals to 4। अब देखिए, अब इसमें आपको कुछ हिंट मिलेगा what to do here। हाँ जी दक्ष, वेट वेट वेट, यस दक्ष बेटा, यस दक्ष। वो साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, मैम वो साइन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ना होगा? नहीं बेटा, होल स्क्वायर है, जो होल स्क्वायर होता है वो दूसरी तरफ जाके रूट बन जाता है, तो रूट 0 वो 0 ही होता है बेटा, वो अलग अलग स्केयर थोड़ा हो जाएगा। हमने ऑलरेडी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी को
होल स्क्वायर की है दक्ष। ओके चलिए बेटा, अब मुझे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर जो है 22 फ्रॉम द असाइनमेंट, वी हैव टू फाइंड टेन पावर फोर प्लस कॉट पावर फोर। क्या करेंगे इसका बेटा? अब तो क्लियर है ना, छोटी पावर है, तो जब मैं स्केयरिंग करूंगी तो बेटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, जब मैं टू ए बी करूंगी, पता है ना टेन और कॉट कैंसल हो जाएंगे, तो इधर कितना होगा 16, तो टेन स्केयर प्लस कॉट स्केयर इक्वल टू 14। ये दोबारा क्या कर दें, स्केयरिंग जब करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, जब मैं टू ए बी करूंगी कैंसल, और इधर क्या आ जाएगा 196, और ये टू उधर जाके माइनस, कितना आ जाएगा 194। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट टर्न, हाँ जी किसकी हम, हाँ जी रियान से पीछे रिदम, एम आई राइट? हाँ जी, थ्री कॉट थीटा इक्वल टू टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, ऑरल करने वाला क्वेश्चन है, प्लीज 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 प्लीज, आर यू रिदम? हाँ जी रिदम, वेरी गुड, सिंपल है, कॉट थीटा 2/3, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 3/2, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, देखिए ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, माइनस वाला किया था, अब मैं प्लस वाला करवाने लगी हूँ, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी बुक में। इन ट्रायंगल पीक्यू जो गए मेरे पास आर, पीआर प्लस क्यूआर 25 सेंटीमीटर के इक्वल है, पीक्यू 5 सेंटीमीटर, फाइंड टैन पी, टैन पी, हाँ जी बिल्कुल जी, पहले ट्रायंगल है मेरे पास और मुझे बोला गया था राइट एंगल एट क्यू, ये पी मैम 24 आ गया, हाँ जी ये 5, हाँ जी चलो जी पी आर को एक्स ले लेते हैं, तो ये 25 माइनस एक्स हो गया, ठीक है पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो मेरे पास क्या होगा, हाँ जी एक्स स्क्वायर 25 प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, मैंने यहाँ 5 का स्क्वायर को सीधा ही 25 लिख दिया था, है ना, तो अब बेटा मैं क्या करूंगी यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ जी 25, ये a स्क्वायर 625, b स्क्वायर माइनस 2ab किया तो 50x, इधर x स्क्वायर, x और x स्क्वायर कैंसिल, हाँ जी ये 650, ये इधर ले आती हूँ 50x, ये कट गया तो x की वैल्यू 13, अब x 13 आ गया, आप पुट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये 13 तो ये 12, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट एग्जिस्ट कर रहा है ना, साथ साथ हर तरफ दिमाग हिलाना है कि कहीं कैलकुलेशन तो नहीं गलत कर, किसी बच्चे ने मान लो 11 लिख दिया, अगर किसी बच्चे ने 11 गलती से निकाल दिया तो आपके दिमाग में उसी टाइम स्ट्राइक करना चाहिए, अरे पाइथागोरस ट्रिपलेट तो मेरे पास हो गया 5, 13 और 12 का होता है, तो कोई ना कोई गलती की है फिर। ओके बेटा चलिए, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा मेरे पास, लेट अस सी दिस क्वेश्चन, अब प्रूफ वाले जितने आप कहते थे ना मैम प्रूफ वाले, उस दिन दक्ष भी कह रहा था मैम प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले सारे कैलकुलेट कर दिए, नाउ आई हैव टू डू द क्वेश्चंस ऑफ प्रूफिंग, की प्रूफ वाले क्वेश्चंस कैसे करें, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 26 और मेरे पास हो गए, दैट इज अंडर रूट -4 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 16 कोसेकेंट पावर 4 थीटा प्लस जो गए साइन पावर 4 थीटा दैट इज इक्वल्स टू
उसने कहा ए कोसेकेंट थीटा प्लस बी साइन थीटा। देखो उसने कितना बढ़िया क्वेश्चन डाला, वो कहता है कि इसको सॉल्व करूंगी ना उस फॉर्म में लेके आना, देन फाइंड ए एंड बी, व्हाट दे हैव रिटन, फाइंड ए एंड बी है ना। अब देखते हैं क्या करें, बिल्कुल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं आइडेंटिटी लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करें, यहां पर मेरे पास हुए हैं ये अंडर, अच्छा आप कह रहे हो आइडेंटिटी लगा दे पहले, चलो आइडेंटिटी लगा देते हैं कोई बात नहीं। हाँ जी मेरे पास माइनस फोर प्लस, देखिए बेटा यहां पर ए स्केयर साइन स्केयर का स्केयर लिख सकती हूँ, बी स्केयर स्केयर लिख सकती हूँ। अब अगर मैं देखूं प्लस, मैं भूल रही हूं कि मेरे पास एट आई फॉरगेट इट, ठीक है मैंने क्या देखा टू ए, ए कितना मेरे पास साइन स्केयर थीटा, बी ये सारा अंडर रूट के अंदर। अगर मैं देखूं ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्योंकि फोर टू द एट और ये कट जाने मुझे पता है, यानी एट की जगह पे मैंने ये लिखा, बिल्कुल सही लिखा ना, ये किसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्केयर, और स्केयर और अंडर रूट कैंसल हो गया, तो मेरे पास यहां पर क्या बचा माइनस फोर प्लस, ध्यान से देखना दैट इज साइन स्केयर थीटा प्लस फोर कोसेकेंट स्केयर थीटा। अब फिर ये आइडेंटिटी बन रही है कैसे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, तो ये जब मैं इसको करूंगी तो साइन थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा बन रहा है। आप सॉल्व कर लेना सारे, ठीक है नहीं तो कल मैं रिपीट कर दूंगी अगर जिसको नहीं समझ आया। अब इसको कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी आई माइनस वन बेटा माइनस वन, और बी की वैल्यू वन, वो हमने निकालना है। ओके दक्ष कल बताऊंगी, ओके एज द टाइम इज ओवर अदर क्लास हैज स्टार्टेड।